बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन दौरे के लिए रवाना हो गए। आज पीएम मोदी पोलैंड पहुंचेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आज रात 8 बजे नवानगर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद रात के 8:30 बजे मोंटी कैसिनो की लड़ाई के स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रात के 11:30 बजे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पीएम सम्मिलित होंगे। अपनी इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मेरी पोलैंड यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में हमारा एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत करती है। मैं इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करूंगा। और देखिए, पीएम मोदी पोलैंड के यूक्रेन के बाद यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे और 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन भी पहुंचने वाले हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है। कीव और नई दिल्ली के बीच राजनयिक संबंध 30 साल पहले यानी कि 1994 में स्थापित हुए थे। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। लगभग 2.5 साल का वक्त हो चुका है। यूक्रेन को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पोलैंड से मैं यूक्रेन जाऊंगा, राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा करूंगा और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत करूंगा। एक मित्र और भागीदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करते हैं।